सभी को जय श्री राम। आज इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। भारत राज्य का उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर है। यह स्थान चारों धाम में से एक है। दोस्तों, यह जो है 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। सामने आप बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये पटना बिहार तक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ऊपर मैं आपको जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर जाने जाते हैं, देखते कितना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है। काफी ज्यादा बुजुर्ग महिला सब कुछ यहाँ पे पटना लाइव तक से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और ये कितना लंबा लाइन लगा हुआ है पटना बिहार तक से, आप देख रहे हैं। काफी ज्यादा बद्रीनाथ के आज ठंडा भी काफी ज्यादा है। और ये लोग बोल रहे हैं 2-3 घंटा से लगे हुए हैं। कितना देर से आप लगे हुए हैं? कम से कम 3 घंटा हो गए। ये देखिए, ये 3 घंटा से कहाँ से आए हैं आप अंकल जी? एमपी मंदसौर जिला मध्य प्रदेश। एमपी मंदसौर जिला मध्य प्रदेश से। काफी ज्यादा लाइन यहाँ पे लगा हुआ, आप देख रहे हैं। ये लोग एमपी मध्य प्रदेश से 3 घंटा से लाइन में लगे, उनके बाद इनका नंबर आया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा लंबा लाइन है। 3 घंटा के बाद इनका लाइन आया है, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों देखे कितना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ, काफी ज्यादा ये लोग का देखा। काफी ज्यादा 2-3 घंटा से लोग लाइन में लगे हुए काफी ज्यादा। और कितना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ, ये लोग 3 घंटा से लाइन में लगे, उसके बाद इनका नंबर आया। काफी ज्यादा भीड़ है, आप देख रहे हैं। और बहुत बड़ा लाइन लगा, 3 घंटा से लाइन लगने के बाद इन लोग का नंबर आया। तो काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे ऊपर, आप देख रहे हैं। 2-3 घंटा लाइन में लगने के बाद इन लोग का नंबर आया है। काफी ज्यादा भीड़, आप देख रहे हैं। यहाँ प्रशासन बहुत ही टाइट है, काफी ज्यादा यहाँ पे खड़े हैं। कितना देर से लाइन में खड़े हैं? 4-4 घंटा। 4-4 घंटा से दादाजी बता रहे जो लाइन में लगे हुए हैं। काफी ज्यादा यंगस्टर सब कुछ, बड़े बुजुर्ग सब कुछ है। 4-4 घंटा से लाइन तक से देख रहे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से आए हुए लाइन में लगने के लिए। कितना स्माइल सा छोटा सा बच्चा है। और ये बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे है बद्रीनाथ का, मैं दर्शन करने के अलावा काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं। लोगों का भीड़ है यहाँ पे, लंबा लाइन पूरा लगा हुआ है बद्रीनाथ में, ऊपर तक लंबा लाइन पूरा देख रहे हैं। काफी ज्यादा दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर जस्ट कुछ 100 मीटर पे दूरी है। और ये एमपी से 3 घंटा से लाइन में खड़े, उसके बाद इनका नंबर आया है। मेरे पीछे देख रहे, काफी ज्यादा 4-4 घंटा से लाइन के लगने के बाद उसके बाद इनका नंबर आया है मेरे पीछे। काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ। और 3-3 घंटा ये बद्रीनाथ में आया हुआ हूँ मैं। काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और बहुत ही जबरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में। दोस्तों, आप अगर बद्रीनाथ आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से 300 किलोमीटर है, 1100 रुपया बस का चार्ज लगता है। एसी और नॉन एसी दोनों बस चलता है। ऑनलाइन आप पहले बस बुकिंग कर, ऑफलाइन के लिए दोस्तों 1 दिन पहले आपको बस बुकिंग करना पड़ेगा। 300 किलोमीटर 8 से 9 घंटा रहता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। दोस्तों बद्रीनाथ जो है काफ़ी ऊंचा है, इसीलिए जब भी आप यहाँ पे आए तो ठंडा कपड़ा ले लीजिएगा। चार धाम की यात्रा की शुरुआत दोस्तों माँ यमुनोत्री से होती है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ में ही आपको सफल होती है। आपका सफल यात्रा तभी माना जाएगा जब आप यमुनोत्री से शुरू कीजिएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या काम करते हैं, केदारनाथ दर्शन करते हैं फिर बद्रीनाथ आ जाते हैं। बद्रीनाथ मैं फिर से बता दूँ, भगवान विष्णु का मंदिर है। 2 धाम में चढ़ाई करना है और 2 धाम में चढ़ाई नहीं करना पड़ता है। बद्रीनाथ के पीछे देख रहे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे लोग का। 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगने के बाद उनका नंबर आता है। मेरा नंबर आ गया है, मैं न्यूज़ चैनल और अपना ब्लॉगिंग की वजह से मेरा नंबर बहुत पहले आ गया। मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं दूसरा साइड नहाने वाला। और पीछे जो है विदेशी लोग आए हुए हैं जो अपना ये सब कुछ कर रहे हैं भजन कीर्तन। मेरे पीछे बहुत ही जबरदस्त भीड़ आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ से, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। आज 28 मई 2022 और ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा नंबर आ गया है। माँ यमुनोत्री में 8 किलोमीटर का चढ़ाई है, फिर माँ गंगोत्री में चढ़ना नहीं पड़ता है, फिर श्री केदारनाथ में 22 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, फिर बद्रीनाथ में चढ़ना नहीं पड़ता है। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है, फिर केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ, तभी आपका यात्रा सफल होगा दोस्तों। Thank you.
ज्यादा भीड़ देख रही है बद्रीनाथ में आया हुआ हूँ मैं। इतना लंबा लाइन लगा हुआ ये आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ का दर्शन कर ले, काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं और मेरे पीछे यही लंबा लाइन, यही है बाबा का दर्शन और मंदिर का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाबा बद्रीनाथ का बहुत ही भव्य नजारा भीड़ आप देख रहे हैं बद्री विशाल में, और ये काफी ज्यादा भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बद्री बाबा का विशाल है मंदिर, भव्य मंदिर है, काफी ज्यादा नजारा। ऐसा संभव है, एकदम संभव है। भक्त लोग ग्रंथ हॉल आया, छोटी किताब है, ये ले लीजिए। पकाशी जी कितनी किताब है, ये छोटी किताब है, देखिए ये आप बना सकते हैं। तो इस लीजिए और आपको पता चलेगा आप कौन है, भगवान कौन है और आनंदमय जीवन भगवान से संबंधित कैसे है। आज बद्रीनाथ में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ आप देख रही है बाबा माता श्री। दोस्तों धीरे धीरे रात हो गया, राम शाम का समय में देख रहे कितना भव्य नजारा श्री बद्रीनारायण का लग रहा है। दोस्तों कुछ कारण बस मैं वीडियो लेट अप, बहुत ही जबरदस्त नजारा श्री बद्रीनारायण मंदिर का। दोस्तों बद्रीनाथ से मैं दिखा रहा हूँ, शाम का समय हो चुका है और लाइट उट काफी ज्यादा हो गया है और यहाँ का नजारा देख रहे हैं। शाम का धीरे धीरे शाम ढल चुका है और शाम का 6 बजे मेरा दर्शन हो चुका है और ये मौसम भी कितनी ज्यादा खराब हो रहा है, यहाँ की हरियाली हो रहा है, काफी ज्यादा भीड़ आप देख लीजिए, काफी ज्यादा जबरदस्त नजारा बद्रीनाथ का मैं दिखा रहा हूँ आपको। लाइट जल चुका है बद्रीनाथ में और पीछे का मेरा व्यू देख रहे हैं कितना काफी ज्यादा भीड़ है और बद्रीनाथ का पीछे का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बद्रीनाथ का मौसम देखिए किस प्रकार। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, जैसे जैसे शाम ढलता है काफी ज्यादा ठंड होते जाता है और काफी भव्य नजारा दोस्तों श्री बद्रीनारायण मंदिर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके आसपास का जगह का। दोस्तों शाम में लाइट जब जलता है तो और भव्य नजारा लगता है, देश के हर कोने से लोग आते हैं। देख रहे काफी ज्यादा भीड़ है और मैं आज शाम में दर्शन करने के लिए, मेरा दर्शन हो गया बद्री विशाल से। आप देख रहे हैं ये शाम का समय है, बहुत ही जबरदस्त बद्री विशाल का नजारा। शाम में धीरे धीरे ठंडा हो चुका है और मौसम भी ठंडा हो चुका है। पीछे मैं आपको लास्ट दिखाया था किस तरह से काफी ज्यादा भीड़ है, पटना बिहार तक से आपको लाइव दिखा रहा हूँ और काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। अब हम लोग नीचे जाएंगे, दर्शन हो चुका है। दिखा रही है बद्रीनाथ में, आपको दिखा रहा हूँ और काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं बद्रीनाथ विशाल का और यहाँ पे लोग बद्रीनाथ विशाल में काफी ज्यादा भीड़ आप देख
जबरदस्त नज़ारा, भीड़ है काफी ज्यादा और पीछे का मौसम भी देख लेते हैं, ठंडा भी होने जा रहा है, मौसम किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पीछे का वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। पृथ्वी स्थल का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा, ऊपर से किस प्रकार दिखाई दे रहा है, पानी ये वाला है और इधर से ब्रिज से अभी हम लोग को जाना है और पीछे किस प्रकार नजारा है भव्य वो आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह बद्री विशाल का ऊपर से नजारा किस प्रकार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सामने आप होटल उटल देख रहे हैं, जैसे ही लाइट उठ जलता और धुंधली लाइट में श्री बद्री नारायण दोस्तों एक बार मैं फिर से भगवान विष्णु का देख रहे हैं, 5 किलोमीटर लंबा लाइन लग जाता है और देख रहे यहीं से लाइन लगना दोस्तों शुरू हुआ है। शाम का समय में इतना भव्य नज़ारा है श्री बद्री नारायण मंदिर का, मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए यहाँ से मैं भी दर्शन करके हम लोग 4 आदमी आए थे दोस्तों, मैं दोस्तों बिहार का समस्तीपुर जिला मोहद्दीनगर विधानसभा मटियौर गाँव से आया हुआ था, मेरे साथ माता श्री और मेरे अंकल आंटी सब लोग आए थे। देखिए धुंधला लाइट में और अच्छा नज़ारा से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे माँ काली कमली करके होटल उटल मिलेगा जो आपको सस्ता रेंट में मिल सकता है और ये देख रहे सामने नदी बह रही है। दोस्तों जिस समय कपाट खुलती है मई जून में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो अक्टूबर नवंबर में जाइए, लेकिन अभी का जो स्टेटस है दोस्तों सितंबर में लैंडस्लाइड हुआ है, उत्तराखंड में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए अभी आप नहीं जाइए। सामने मेरे अंकल श्री देख रहे हैं, ये लोग धनबाद से आए थे दोस्तों। बहुत ही भव्य नज़ारा शाम में लगता है श्री बद्री नारायण का, 300 किलोमीटर का रास्ता, इतना अच्छा रास्ता मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। ऐसा एक मान्यता है जो पहले यमुनोत्री गंगोत्री फिर किस प्रकार गर्म पानी निकल रहा है काफी ज्यादा यहाँ से। मैं अभी आपको पटना बिहार तक से लाइव दिखा रहा हूँ बद्रीनाथ के लिए, लोग 5 घंटा 6 घंटा से काफी ज्यादा से लाइन में लगे हैं, भीड़ आप देख रहे हैं बद्रीनाथ से और काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं और बद्रीनाथ से कम से कम 5 किलोमीटर का लंबा लाइन लगा हुआ है और काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे और देख रहे कितना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ पटना बिहार तक से। मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि बद्रीनाथ का बहुत ही बड़ा लाइन है दोस्तों, पटना बिहार तक से मैं लाइव देखा रहा हूँ, काफी ज्यादा कितना ज्यादा लंबा लाइन है, कम से कम 5 किलोमीटर का लंबा लाइन है आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा लंबा लाइन है पटना बिहार तक से मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ और काफी ज्यादा बुजुर्ग लोग 4 किलोमीटर का लंबा लाइन पीछे देख रहे हैं मेरे। देखे दोस्तों ये काफी ज्यादा लंबा लाइन है, कितना लंबा लाइन आप देख रहे हैं, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का लंबा लाइन पूरा यहाँ से लगा हुआ है और देख रहे हैं बद्री विशाल का दर्शन के लिए काफी ज्यादा लाइन में लोग लगे हुए हैं, 5-6 किलोमीटर का लंबा लाइन पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे और पूरा लंबा लाइन दोस्तों, कितना काफी ज्यादा लंबा लाइन आप देख रहे हैं पीछे से, मैं आपको देख रहे दूसरा काफी ज्यादा लंबा लाइन है, कम से कम 2-3 किलोमीटर का लंबा लाइन पूरा लगा हुआ है पटना बिहार तक से लाइव आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ के लोगों का लगा हुआ, कम से कम 5-6 किलोमीटर का लंबा लाइन लगा हुआ है, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पे और देख रहे काफी ज्यादा लोगों का यहाँ पे भीड़ है, काफी ज्यादा लंबा लाइन, कम से कम 5-6 किलोमीटर का लंबा लाइन पूरा लगा हुआ, काफी ज्यादा लंबा लाइन भीड़ आप देख रहे हैं, चलिए चलिए आप वहीं पे एक सेकंड, काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे और काफी ज्यादा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और लाइन यहाँ पे है दरअसल दोस्तों। पटना बिहार तक से मैं अभी देखा रहा हूँ, काफी ज्यादा भीड़ अभी आप देख रहे हैं बद्रीनाथ का, 8:40 हो रहा है, कम से कम 5 किलोमीटर का लंबा लाइन लगा हुआ है और मेरे पीछे ये देख रहे हैं पुलिस प्रशासन सब कुछ यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है बद्रीनाथ का। मेरा ये लास्ट धाम का रिपोर्टिंग मैं आपको पटना बिहार तक से दिखा रहा हूँ और बहुत बड़ा लाइन है, 5 किलोमीटर का लंबा लाइन है दोस्तों, लोग देख रहे हैं काफी ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं और वीडियो वीडियो सब कुछ कर रहे हैं, बाबा के काफी दर्शन कर रहे हैं करने के लिए और ये काफी ज्यादा ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, काफी ज्यादा देख रहे हैं काफी ज्यादा आंटी लोग हैं और देख रहे काफी ज्यादा ये लोग भीड़ भाड़ पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ ज्यादा बदले हुए साल का पहला और ये जो हुआ
गेट हुआ यहीं से भाई पाओ काफी ज्यादा भीड़ एग्जिट यहीं से लोग निकलते हैं वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री बद्रीनाथ, जय हिंद, जय भारत, जय